काफी भीड़ है और हमें सीट मिली गई, थोड़ी उम्मीद कम लग रही थी। यहाँ पे एक कूप नाम की सुपर मार्केट है जो कि पूरे स्विट्जरलैंड में आपको हर जगह मिलेगी। जंगल में तो काफी इजी है, लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट है और सब कुछ आपका सही है तो आपको किस। सो गुड मॉर्निंग गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे एज यूजुअल। तो आज मेरा है लास्ट डे ज्यूरिख में और मैं अभी जा रहा हूँ कार लेने के लिए, रेंटा कार, और वो लेके मैं सीधा निकलूँगा लुसेन और वहाँ पे मेरा एक नाइट का स्टे है। थोड़ा सा आपको लुसेन दिखाऊँगा, फिर उसके बाद मैं आगे निकलूँगा अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ गाड़ी लेने और यहाँ पे हो रहे हैं 11:30 अभी, और आज थोड़ा मौसम क्लाउडी है, उतना सन नहीं है, और कल थोड़ी सी, परसों भी थोड़ी थोड़ी गर्मी थी, आज तो अच्छा है वेदर। और आपको मिलता हूँ रेंट कंपनी के पास जाके। थोड़ा सा वॉक करके और ज्यूरिख सिटी के ब्यूटीफुल व्यूज लेते हुए मैं पहुंच गया अपनी रेंटा कार कंपनी के पास। इस बार मैंने अपनी गाड़ी रेंट की थी एंटरप्राइजेस नाम की एक रेंटा कंपनी के साथ, और मैंने कौन सी गाड़ी रेंट की और क्या प्रोसीजर था, मेरे को गाड़ी कितने की पड़ी, ये सारी मैं डिटेल्स डिस्कस करूंगा इस वीडियो में आगे। तो मैं पहुंच गया अपनी रेंटा कार कंपनी के पास, बट अभी जो है वो क्लोज हैं, वो खुलेंगे 12 बजे, अभी है 20-25 मिनट्स। यहाँ पे टाइम का एकदम पंचुअल है, लोग मतलब 12 बजे खुलेंगे। वहाँ पे एक लेडी थी अंदर, वो उन्होंने कहा नहीं 12 o'clock ही ओपन करेंगे वो लोग, और जो क्लोजिंग टाइम है उसी टाइम पे क्लोज करते हैं। हमारे तो थोड़ा ऊपर नीचे चल जाता है, बट यहाँ पे ऊपर नीचे चलता नहीं है, यहाँ पे जो एग्जैक्ट टाइम है वही ये लोग फॉलो करते हैं। और बस अभी बैठ के कहीं वेट करता हूँ थोड़ी देर, 20 मिनट और, फिर अपनी गाड़ी लूँगा और फिर हम निकलेंगे। तो मेरे को ये लगता है कि ज़ूरिख के लिए 2 या 3 दिन जो है ना मोर देन सफिशिएंट है। इनफैक्ट मेरे को लगता है 2 दिन भी काफ़ी हैं, इधर बहुत कुछ है नहीं है करने को। मेन असली यूरोप तो अभी जाएंगे हम लोग, ये तो एक सिटी है, और बस वही है कि अगर आपको थोड़ा स्विमिंग आता है, मेरे को तो स्विमिंग आता नहीं इसलिए मैं ज़्यादा बीच वीच पर गया नहीं। बीच मतलब कि जो लेक पे इन्होंने बीच टाइप का माहौल बना रखा है वहाँ पे, तो थोड़ा सा टहलने के लिए गया था बट स्विमिंग करने के लिए नहीं गया, मेरे को स्विमिंग आती नहीं है। अगर आपको स्विमिंग आती है, इंटरेस्टेड हैं आप स्विमिंग करने में, तो जा सकते हैं। काफ़ी सारे लोग स्विमिंग कर रहे थे और सनबाथ ले रहे थे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम तो यहाँ ठंडी आती है ना, तो यही कुछ टाइम होता है जब यहाँ गर्मी होती है, तो लोग पूरा यूटिलाइज करते हैं इसको। और अपना रेंटा कार लेने के बाद मैं निकल गया लुसेन की तरफ। लुसेन ज्यूरिख से अराउंड 52 किलोमीटर दूर है और ये 45 मिनट्स का रास्ता है, और ये एक लाइन जो मैं बोलने जा रहा हूँ ये आपको आगे की सारी वीडियोस में बार बार सुनने को मिलेगी कि रास्ता बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही सीनिक है। आप लोग की इन्फॉर्मेशन के लिए, स्विट्जरलैंड में काफी सारे टोल हाईवेज हैं और यहाँ पे टोल का जो पेमेंट है वो एनुअली किया जाता है, मीन साल में एक बार टोल का पेमेंट किया जाता है। और आप जिस भी रेंटा कार कंपनी से गाड़ी ले रहे हैं एक बार से कंफर्म कर लें कि उस पर्टिकुलर गाड़ी के लिए जो टोल है वो ऑलरेडी पेड है या नहीं। और आप सब लोगों के लिए मेरे पास एक सजेशन है, अगर आप स्विट्जरलैंड में ड्राइव कर रहे हैं और साथ में आपके पास काफी सारा टाइम है, तो आप चाहें तो गूगल मैप्स में एक ऑप्शन आता है अवॉइड टोल्स, अगर आप ये सिलेक्ट करते हैं तो गूगल मैप्स है वो ऑटोमेटिकली टोल रोड्स को अवॉइड करेगा और आपको देखने को मिलेंगे बहुत ही खूबसूरत स्विट्जरलैंड के विलेजेस। और ये विलेजेस इतने ज्यादा खूबसूरत हैं कि आपका मन ही नहीं करेगा कि ये ड्राइव कभी खत्म हो। सो गाइस, मैं पहुंच गया अपने होटल, ये पीछे मेरा होटल है। अभी चेक इन में थोड़ा सा टाइम है, यहाँ पे जैसा कि मैंने बोला कि टाइम के बड़े पर्टिकुलर हैं, टाइम बहुत मायने रखता है इन लोगों के लिए। तो चेक इन मेरा 3 बजे है और अभी 1 घंटा पड़ा 3 बजने में, तो उन्होंने कहा 1 घंटे बाद आना, तो थोड़ा इधर उधर टहल रहा हूँ, एक बार चेक इन कर लूँ, उसके बाद हम लोग चलेंगे सिटी में। और सिटी में यहाँ पे लेक लुसेन काफ़ी फेमस है और उसके आसपास का एरिया है, और देखते हैं। मैं थोड़ा सा आउटर में हूँ क्योंकि सिटी के अंदर मेरे को पार्किंग के साथ होटल मिल नहीं रहा था, तो मैं थोड़ा सा बाहर होटल ले लिया ताकि मेरे को पार्किंग मिल जाए। और यहाँ पे पता नहीं मैंने आपको बताया कि नहीं बताया, ये कूप करके जो सुपर मार्केट है यहाँ पे भी है, ये ऊपर जो कि सबसे फेमस सुपरमार्केट है, काफ़ी चीज़ें जो मतलब डेली यूज़ वाली होती हैं आपको मिल जाती हैं यहाँ पे। और ऐसे थोड़ा सा टहल रहे हैं, फिर कुछ खाएंगे, तब तक 3 बज ही जाएगा, और फिर चेक इन करके
फिर लेके चलते हैं आपको सिटी में। सो गाइस, थोड़ा चलते चलते हमने सोचा कि लंच का टाइम हो ही रहा है तो एक गाड़ी ले लेते हैं, कहीं लंच कर लेते हैं, और गाड़ी के बारे में जो डिटेल्स हैं वो थोड़ी देर में आपको देता हूँ मैं। और सामने मेरी गाड़ी खड़ी है, आपको दिखाता हूँ अपनी गाड़ी इस बार की। ये है मेरी गाड़ी। एक्चुअली मैं थोड़ा सा गाड़ियों का शौकीन भी हूँ, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि हर बार एक दूसरी कंपनी की कोई नई गाड़ी रेंट करूँ। तो इस बार ये काफ़ी देर से मैं जीप रेंट करने का सोच रहा था, तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था जीप के साथ। अच्छी गाड़ी है, 4x4 है, हालांकि ये पहले मेरे को दे नहीं रहे थे, दूसरा गाड़ी दे रहे थे, बट मैंने कहा नहीं, मैंने जो बुक किया है मैं वही गाड़ी लूँगा, क्योंकि वो लोग बोल रहे थे कि अभी ये अवेलेबल नहीं है जीप, तो आप दूसरा कोई गाड़ी ले लीजिए। बट मैं कहा नहीं, मेरे को तो जो मैंने बुक किया वही चाहिए, तो थोड़ा वेट करना पड़ा, बट अल्टीमेटली मैंने वही गाड़ी ली जो मैंने बुक की थी। A few moments later. So guys, खाना पीना हो गया, लंच हो गया, वापस मैं होटल पे आ गया हूँ। अभी भी थोड़ा सा टाइम बचा है, 10 मिनट बचे हैं, तो मैं क्या 10 मिनट गाड़ी में थोड़ा बैठता हूँ फिर जाऊँगा। होटल में पार्किंग अवेलेबल थी, होटल की पार्किंग में हूँ अभी। थोड़ा सा हम गाड़ी के बारे में बात करते हैं। एक्चुअली मैं कैसे गाड़ी बुक करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। पर्सनली मैं 3-4 वेबसाइट चेक करता हूँ, एक तो मैं गूगल पर सर्च करता हूँ, और दूसरा जैसे आपका स्काई स्कैनर है या booking.com है या VIP कार्स है, इन सब में मैं पहले सर्च करता हूँ कि क्या मेरे को ऑप्शन मिल रहे हैं और क्या प्राइसेस मिल रहे हैं। तो कुछ ना कुछ मेरे को अच्छा मिल ही था। जैसे ये गाड़ी मैंने बुक की थी इससे, आपका स्काई स्कैनर से बुक की थी। स्काई स्कैनर में मैंने, उसमें भी booking.com में सर्च किया था, स्काई स्कैनर में सर्च किया था, और वैसे भी गूगल में सर्च किया था। तो मेरे को ये गाड़ी मैंने ली स्काई स्कैनर से, और सबसे सस्ता ऑप्शन मेरे को वही मिल रहा था। इसके लिए मैंने पे किए हैं रफली आप 50,000 मान के चलें एक हफ्ते के लिए। थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, बट मेरे को थोड़ा सा चेंज करना था, मेरे को वही ऑप्शन मिल गया था जीप का, मेरे को थोड़ा मन था चलाने का, तो मैं कहा नहीं अभी यही गाड़ी लेनी है जितने की भी पड़े। तो इसलिए काफ़ी सारे ऑप्शन थे, सस्ते ऑप्शन थे, महंगे ऑप्शन थे, तो आप अकॉर्डिंगली अपने बजट की गाड़ी बुक कर सकते हैं। और मेनली आपको एक क्रेडिट कार्ड चाहिए होता है, वो लोग कुछ आपका जो क्रेडिट कार्ड पे कुछ अमाउंट वो लोग ब्लॉक करते हैं एस एस सिक्योरिटी, और मोस्टली वो सिक्योरिटी उतनी होती है जितनी की एक्सेस पेमेंट होती है, जो आपकी इंश्योरेंस साथ में होती है उसमें कुछ एक्सेस पेमेंट होती है, तो उतना मिनिमम आपको पे करना होता है, उसके ऊपर का जो खर्चा है वो इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। तो जितना वो मिनिमम होता है ना, वो लोग उतना ब्लॉक करके रखते हैं कि जस्ट इन केस कुछ हो जाए तो वो लोग कार्ड से काट लें। उसके अलावा आपको पासपोर्ट चाहिए और आपका ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। स्विट्ज़रलैंड में आप इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ड्राइव कर सकते हैं, आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके पास UAE का ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो भी यहाँ पे चलता है, उसके लिए अलग से कोई आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे पास तो इंडिया का भी है और UAE का भी है, तो मैं फ़िलहाल UAE का उनको डिपॉज़िट किया था, मतलब उनको कॉपी दी थी, तो UAE के वाले पे चला रहा हूँ। और उसके अलावा कुछ खास नहीं है, मैंने ये सिटी से बुक की थी और मैं इसको रिटर्न करूँगा एयरपोर्ट पे, क्योंकि मैं रिटर्न जा रहा हूँ तभी इसको रिटर्न करूँगा गाड़ी को। आप जब गाड़ी लेना एक बार अच्छे से उसका चेक कर लें, क्योंकि जब आप गाड़ी ले रहे होते हैं ना तब ये लोग इतना अच्छे से नहीं चेक करते हैं, लेकिन जब आप गाड़ी रिटर्न करते हो तब ये बिल्कुल झुक के नीचे घुस घुस के गाड़ी के चेक करते हैं। तो स्पेशली बम्पर के जो नीचे की साइड रहती है और जो रियर बम्पर रहता है उसके नीचे की साइड रहती है ना, वहाँ पे मोस्टली स्क्रैच होते हैं, हम लोग ऊपर से देखते हैं हमको दिखाई नहीं देते। तो थोड़ा नीचे झुक के उसकी फ़ोटोज़ ले लें, गाड़ी की फ़ोटो ले लें या वीडियो बना लें, ताकि जब आप रिटर्न करें अगर आपको वो बोलते हैं कि ये स्क्रैच नया है पुराना है, तो एटलीस्ट आपके पास भी कोई प्रूफ हो कि ये आपने मतलब पहले से था कि नहीं था। और हम लोग नॉर्मली जो व्हील के रिम है उनको मिस कर जाते हैं, रिम के ऊपर अक्सर स्क्रैचेस लगे होते हैं और लेते वक्त हम लोग चेक नहीं करते, बट जब रिटर्न करने जाएंगे तो ये लोग बहुत अच्छे से चेक करते हैं, तो वो सब भी आप अच्छे से एक बार चेक कर लें जब आप गाड़ी लेने जाएं। उसके अलावा कुछ खास है नहीं है। ड्राइविंग यहाँ पे अगर आप इंडिया से आ रहे हैं थोड़ी सी आपको डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका राइट हैंड ड्राइव है, इंडिया में हमारा लेफ्ट हैंड है, यहाँ इंडिया में लेफ्ट हैंड है, यहाँ पे राइट हैंड है, क्योंकि दुबई में भी राइट हैंड है, तो मेरे को इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ क्योंकि दुबई में ऑलरेडी राइट हैंड चला रहा था, यहाँ पे भी राइट हैंड है। अगर आप इंडिया से आएंगे थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको मेरे को लगता है 5-10 किलोमीटर थोड़ा सा लगेगा कि आप उल्टी तरफ चल रहे हो, थोड़ा सा लगता है, बट थोड़ा चला के आपको हो जाएगा कंफर्टेबल। अगर आप गाड़ी में चलाने में कॉन्फिडेंट हैं तो कोई प्रॉब्लम इतनी आएगी नहीं। उसके अलावा ड्राइविंग तो अच्छी है, बहुत ही अच्छी ड्राइविंग है, सब रूल फॉलो कर रहे हैं,
और अगर आप यहाँ आते हैं तो कोशिश करें कोई रूल ब्रेक ना करें, क्योंकि यहाँ पे फाइंस बहुत हैवी हैं, स्पेशली रेड लाइट वगैरह है। इनफैक्ट मैं जा रहा था, मेरे को लाइन चेंज करना था, मैंने इंडिकेटर दिया, जो मेरे पीछे गाड़ी आ रही थी उसने मेरे को, वो स्लो हुआ, उसने मेरे को स्पेस दिया है। नॉर्मली दुबई में भी ऐसा नहीं होता, हम लोग इंडिकेटर देते हैं फिर अपनी जगह ढूंढते हैं फिर हम अपनी गाड़ी टर्न लेते हैं, बट यहाँ पे लोग आपको जगह दे रहे हैं, आप इंडिकेटर दोगे तो लोग आपको जगह देंगे खुद से। तो ड्राइविंग बहुत अच्छी है और स्पीड हाईवे की 100 की है, और सिटी के अंदर रोड टू रोड डिपेंड करती है, कहीं 50 की है, बिल्कुल सिटी के अंदर चले जाएंगे तो 30 की है, तो अलग अलग स्पीड लिमिट है। बोर्ड्स लगे हुए हैं और कैमराज भी लगे हैं, फ्लैशिंग कैमराज भी लगे हैं और सर्विलेंस कैमरा भी लगे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए ड्राइविंग करते वक्त। और उसके अलावा तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं ड्राइविंग पॉइंट ऑफ व्यू से। और जब आप गाड़ी रिटर्न कर रहे होंगे तो थोड़ा सा क्लीन होनी चाहिए गाड़ी, बहुत ज़्यादा गंदी ना हो, थोड़ा बहुत अगर बारिश वारिश हुई है, अभी मैं आ रहा था रास्ते में बारिश हो गई, थोड़ा बारिश के ड्रॉप्स पड़े हुए हैं, ड्रॉपलेट्स पड़े हुए हैं, वो सूख गए हैं, तो उतना चलता है, उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बहुत ज़्यादा गंदी है तो आप कोशिश करें कि आप उसको क्लीन करके रिटर्न करें, क्योंकि फिर आप गाड़ी देके चले जाएंगे, फिर वो बाद में क्लीन करवाएंगे, फिर उसके बाद वो देखेंगे कि हाँ यहाँ यहाँ पे प्रॉब्लम है। अगर क्लीन गाड़ी होगी तो ऑन द स्पॉट बोलोगे कि एक बार चेक करते हैं तो आपको बता देंगे ये प्रॉब्लम है, तो आप उनसे थोड़ा डिस्कशन कर सकते हैं कि नहीं ये पहले था ये अभी था, जो भी है। उसके अलावा मैं गूगल मैप यूज़ कर रहा हूँ, गूगल मैप बहुत अच्छा काम कर रहा है यहाँ पे, और इनफैक्ट इंडिया में भी कुछ कुछ जगह पे मैंने देखा है कि वो प्रॉपर रोड्स दिखाता है, जैसे तीन रोड्स हैं, तीन रोड्स में आपको कौन सी रोड लेनी है आगे टर्न लेने के लिए, वो सब दुबई में दिखाता नहीं, बट यहाँ पे दिखा रहा है जैसे तीन रोड हैं आगे जाके मेरे को राइट टर्न लेना है तो मेरे को कौन सी लाइन में रहना है, वो सब दिखा रहा है गूगल मैप, बहुत अच्छे से काम कर रहा है। और आज से अभी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे देखते हैं पहाड़ों वहाड़ों में जाके गूगल मैप कैसा रहता है, वो मैं आपको रिव्यू देता रहूँगा। वैसे उसके अलावा मैं एक maps.me करके भी एक यूज़ करता हूँ ऐप, वो ऑफलाइन मैप्स हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो मैं अभी तक यूज़ नहीं किया यहाँ पे, बट कुछ जगह पे जब गूगल मैप नहीं काम करता तो मैं वही यूज़ करता हूँ। और बाकी सब तो हम डिस्कशन करते रहेंगे धीरे धीरे साथ साथ में, अभी मेरा टाइम भी हो गया चेक इन का, तो मैं अभी जाके चेक इन करता हूँ और जल्दी से निकलता हूँ सिटी की तरफ। सो गाइस, मैंने यहाँ से एक बस ली है अपने होटल के बाहर से, एक्चुअली मैं वहाँ पे थोड़ा पार्किंग का मसला है सिटी के बीच में और थोड़ी एक्सपेंसिव भी है, तो यहाँ पे आप नॉर्मली जिस होटल में रुकते हैं ना उनसे आप बात करें, सभी होटल जो है ना एक वो पास सब प्रोवाइड करते हैं लोकल ट्रांसपोर्ट का पास, तो उसके थ्रू आप यहाँ की बसेज और ट्रेन्स यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ और भी जो अट्रैक्शंस हैं वहाँ पे आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है, तो मोस्ट ऑफ द जितने भी होटल हैं वो आपको प्रोवाइड करते हैं। ज़ुरिक में मैंने पता नहीं किया, शायद वहाँ पे भी करते हो, बट यहाँ पे मेरे को श्योर था कि यहाँ पे और आगे में जहाँ जा रहा हूँ सब जगह आपको पास मिल जाएगा, तो वही पास मैंने ले लिया और अभी मैं बस में बैठ गया हूँ और 15 मिनट लगेंगे मेरे को पहुँचने में सिटी में। और सबसे अच्छी बात है कि पार्किंग की टेंशन नहीं है, पार्किंग ढूंढनी नहीं पड़ेगी, नहीं तो पहले पार्किंग ढूंढो फिर सही पार्किंग है कि नहीं है, क्या क्या डिफरेंट जोन्स हैं, तो बेटर है कि बस ले लो। और एनीवे इसके लिए मेरे को पे भी नहीं करना पड़ रहा क्योंकि ये जो मेरे को पास होटल से मिला है उसी पास के अंदर इंक्लूड है। बस में मेरे को लगा अराउंड 30 मिनट डाउनटाउन के लिए। और एक और बात, आप दुनिया में कहीं पे भी जाएं बट इंडियंस के फुटप्रिंट आपको हर जगह मिल ही जाते हैं, जैसे ये KNS लक्ष्मी ट्रेडिंग। सो गाइज, मैं पहुंच गया डाउनटाउन में, सिटी सेंटर में। एक चैपल ब्रिज है यहाँ पे, काफ़ी फेमस है, वुडन का, 17th century में बना था, तो अभी वही देखने के लिए जा रहा हूँ, उसी तरफ बढ़ रहा हूँ। और सुना है कि कुछ हिंदी मूवी, कुछ साउथ इंडियन मूवीज़ और कुछ हॉलीवुड मूवीज़ में भी वो यूज़ हुआ है, वो दिखा है, बट अब कौन सी मूवीज़ हैं वो मेरे को पता नहीं है, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताओ, नहीं तो दोनों मिलके सर्च करते हैं, आप भी ढूंढो मैं भी ढूंढता हूँ किन किन मूवीज़ में आया है। बट जो मेरे होटल में रिसेप्शन पे थे वही बोल रहे थे कि वो अच्छा है, वो काफ़ी सारी हिंदी मूवीज़ में भी है, पता नहीं कौन सी मूवीज़ में, मैंने तो देखा नहीं, बट देखते हैं चलते हैं कैसा है।
और अब हम लोग के सामने है इस सिटी का फेमस हिस्टोरिकल चैपल ब्रिज, और ये ओरिजिनली 14th सेंचुरी में बना था और 1993 में एक फायर एक्सीडेंट में ऑलमोस्ट बर्न होते होते बचा, बट रिस्टोरेशन के बाद अब ये सिटी का हॉटस्पॉट है। और ये जो पेंटिंग्स आप ऊपर देख रहे हैं ये बनी थी 17th सेंचुरी में, जिनको देख के आपको फील होगा कि आप एक ओपन फ्री आर्ट एग्जीबिशन में घूम रहे हैं। तो मैं आ गया यहाँ पे चैपल ब्रिज में, दो है यहाँ पे, एक ये है और एक थोड़ा सा आगे है, यहाँ से घूम के उस तरफ ही जाऊँगा। और ये बीच में जो एक टावर था आपने पीछे देखा, वो टावर, ये टावर, ये टावर शायद पनिशमेंट चैम्बर था किसी ज़माने में, मैं श्योर नहीं हूँ, मैं कंफर्म करता हूँ इसको देखे। तो बस फिर आगे चलते रहते हैं, आपको दिखाते रहते हैं लुसेन, और खुद भी देखता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ। तो मैं एक ब्रिज से निकल के दूसरे ब्रिज की तरफ जा रहा हूँ, दोनों तरफ ढेर सारे रेस्टोरेंट्स हैं, बाहर चेयर लगी हैं, लोग खा रहे हैं और पी रहे हैं ज़्यादा। एक्चुअली में थोड़ा सा जो लिकर है यहाँ पे सस्ता है, खाना महंगा है, तो यहाँ के लोग खूब लिकर ड्रिंक करते हैं और पब्लिकली करते हैं, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन है नहीं है, तो बस लोग इंजॉय कर रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं। वैसे तो स्विट्ज़रलैंड नेचर लवर्स के लिए जन्नत माना जाता है, बट यहाँ के मेरे को लग रहा है कि दारू लवर्स के लिए भी जन्नत ही माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो वो काफ़ी देर से चल रहा था, तो अभी थोड़ा रेस्ट करने के लिए बैठा, बीच बीच में बेंच लगे हुए रेस्ट करने के लिए। और एक्चुअली मैं ये जो ज़ूरिक घूम रहा हूँ, मैं लुसेन में घूम रहा हूँ ना, ये सब कॉम्प्लीमेंट्री आप समझ के चलो, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ लोग ये करने नहीं आते हैं यहाँ पे, वो जो करने आते हैं, जो नेचर को फील करने आते हैं, वो हम कल से शुरू करेंगे। तो थोड़ा सा मैं सोचा कि कुछ छूट ना जाए, बाद में जाके ऐसा रिग्रेट ना हो कि भाई ज़ूरिक नहीं देखा, लुसेन नहीं देखा, क्योंकि यही दो मेन सिटीज़ हैं, और मैं किसी सिटी में जाऊँगा नहीं अभी, बस अब नेचर बुला रहा है, अब नेचर की तरफ ही भागूंगा बस, अब और किसी सिटी में नहीं, ये आखिरी सिटी। तो गाइज वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई है, तो जो सेकंड वाला चैपल ब्रिज है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और साथ ही हम देखेंगे कि लुसेन में और क्या क्या है देखने को और क्या क्या है करने को। तब तक जुड़े रहें चैनल के साथ, टेक केयर एंड बाय बाय।